Om namo bhagavate vasudevaya. 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 We are reading from the fourth canto and chapter 20 and sloka 23. तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में से स्कंद 4 अध्याय 20 महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान श्री विष्णु का प्राकट्य श्लोक संख्या 23. So, that is Prithuruvacha varam varam vibho vibho twat twat varada ishvarat buddha buddha katham katham vrinte vrinte kunavritya kunavritya atmanam atmanam ye narakamam narakamam api api santi santi dehinam dehinam tan tan isha isha kaivalya pate kaivalya pate vrine vride na na sa cha Prithuvacha Prithuvacha Varam vibho tvat varadeshvarat buddha Varam vibho tvat varadeshvarat buddha Katam vrinite gunavikriyatmanam Katam vrinite gunavikriyatmanam Ye narakanam api santidehinam Ye narakanam api santidehinam Tanisha kaivalya pate vrinena cha. Okay. Shabdarth. Prithu vacha. Maharaj Prithu ne kaha. Varan. Ashirvad. Var. Vibho. He Parmeshwar. Tvat. Aapse. Vardi Ishwarat, Varda Ishwarat, Shri Bhagwan se, jo var dene walo mein agrani hai, Buddha, Buddhiman Purush, Katham, kaise, Vranite, yachna kar sakta hai, Gun Vikriya, भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त आत्मनाम जीव आत्माओं का ये जो नारकणम नरकवासी जीवात्माओं का अपि भी संति है देहिनाम देहदारियों का तान वे सब ईश हे ईश्वर कैवल्य पते तदात्म्य के द्वारा वृणे याचना करता हूँ न नहीं च भी. अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा. अनुवाद. हे प्रभो आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं. अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसा वर क्यों मांगेगा जो भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त हैं. ऐसे वरदान तो नारकीय स्थिति में वास करने वाले जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं. हे भगवान आप निश्चित ही अपने साथ तदात्म्य प्रदान कर सकते हैं किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता हूँ. तात्पर्य मनुष्य की याचना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वर होते हैं. कर्मियों के लिए श्रेष्ठ वर उच्च लोगों के प्राप्ति कर्मियों के श्रेष्ठ वर उच्च लोगों की प्राप्ति है जहाँ जीवन काल अत्यंत दीर्घ है
और जीवन तथा सुख का स्तर अधिक ऊंचा है। अन्य लोग यथा ज्ञानी तथा योगी श्री भगवान के तदात्म के इच्छुक रहते हैं, यह कैवल्य कहलाता है। इसीलिए श्री भगवान के कैवल्यपति कहा गया है। किंतु भक्तों को श्री भगवान से एक भिन्न प्रकार का वर प्राप्त होता है। भक्तगण न ही स्वर्ग की चिंता करते हैं और न ही श्री भगवान के तदात्म्य चाहते हैं। भक्तों के अनुसार कैवल्य अर्थात श्री भगवान के तदात्म्य तथा नरक में कोई अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी नरक कहलाता है, क्योंकि यह भौतिक अस्तित्व स्वयं नारकीय होता है। महाराज पृथु ने कहा कि उन्हें न तो कर्मियों द्वारा अभिप्सित वर की कामना है, न ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अभिप्सित वरों की। भगवान श्री चैतन्य के महान भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु ने कहा कि कैवल्य नारकीय जीवन से बेहतर नहीं होता, और यहाँ तक स्वर्गलोक के आनंद की बात है वह मायाजाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भक्त आनंद की इच्छा नहीं रखते। भक्तों को तो ब्रह्मा या शिव द्वारा ग्रहण किए गए पदों की भी परवाह नहीं रहती, न ही वे भगवान श्री विष्णु के समान समानता करना चाहते हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते महाराज पृथु ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। ओम Pandeham Sri Kuro Sri Yutakam Lam Sri Kuro Taisnavasam Sri Rupam Sakatan Rakam Kam Tati Fam Satraitam Savaduta Parichana Saitan Sri Krishna Saitan Yedefam Sri Radha Krishna Padamsa Levita Sri Pisakavitamsa Nama Om Vishnu Bhai Krishna Bhai Bhutale Sri Mati Bhakti Vikaspanit Namne Nama Om Vishnu Bhai Krishna Bhai Bhutale Sri Mati Bhakti Vidanta Swamit Namne Namaste Sarasvati Devi Purvapacharine Nivisesa Sunyavadipasatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Kadada Sri Vyadikora Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. We have here very nice sloka and it goes about the benediction. What kind of benediction we are actually aspiring for? तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है और इस ये जो है ये वरदान के विषय में है। For that reason, the sloka visiya fina fakate nira rasya dehina rasavacham rasopyasya paramtishvani fakate is very very important that by seizing the sense objects still the taste is remaining, and for that reason we should develop higher taste, paramtri svanivartate. We should develop a higher taste. तो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक जगत में ये जो स्वाद, ये स्वाद जीव का इंद्रियों के लिए स्वाद रह जाता है, इसलिए हमें उच्च स्वाद के लिए प्रयास करना चाहिए। Because if we don't elevate our consciousness and are still in the three modes of material nature, then the benediction that we're asking, the blessings that we are asking, will be for material sense gratification, for bodily comfort. तो अगर हम अपने चेतना को उच्च स्तर में नहीं लेके आएंगे और ये तीन गुणों में बने रहेंगे, तो हम जो भी वरदान भी मांगेंगे तो ये इंद्र तृप्ति के लिए होगा। Have we go to the dam and we ask for the blessing? Hopefully there will be a water heater there. Then I can take nicely bath in the morning. तो हम ऐसी चेतना से जाएंगे धाम में, तो वहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि काश यहाँ पर पानी गर्म करने की सुविधा हो, ताकि मैं अच्छे से सुबह स्नान कर सकूँ गर्म पानी से। Hopefully I get the ticket AC, then I will be very peacefully. I can go to the dam and meditate nicely on the dam. तो मुझे AC का टिकट मिले ट्रेन में, ताकि मैं अच्छे से धाम में जा सकूँ आराम से। Meditation is that I hope that they have arranged 3 times prasadam in the train. Then
the train rice journey will be very, very nice. और चिंतन यही लगा रहेगा कि भक्तों ने कम से कम तीन वक्त तीन समय के प्रसादम की व्यवस्था अवश्य की हो तभी तो हम जो ये यात्रा है ये अच्छी होगी ट्रेन में. Three times, maybe four times also no problem. Four times. चार समय का प्रसादम की व्यवस्था हो तो और भी अच्छा है, कोई समस्या नहीं है. Because what we will do in the train, there is nothing to do in the train, so at least we can have some Krishna consciousness sharing of prasad with each other. तो ट्रेन में तो और कुछ करने के लिए नहीं है तो कम से कम हम कृष्ण चेतना में प्रसाद वितरण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं. So the modes what we are imbibing, the modes where we are meditating on, there the benediction we will also ask in this connection. We see in this material world, the material people, what kind of benedictions they are asking, what kind of desires they have. तो जिन गुणों के अंतर्गत हम कार्य करेंगे, जैसे हमारी चेतना होगी उस प्रकार से हम वरदान भी मांगेंगे. जैसे हम देखते हैं कि जो भौतिकतावादी है वो कैसे वरदान मांगते हैं. There are so many material kinds, so called mahatmas, and people are hankering for the blessings. Somebody is maybe very good in sports, very very strong, and or in athletics, so many kind of sports are there, and they ask him blessings from this kind of personalities. तो कई सारे महात्मा हैं, तो कई सामान्य लोग जब जाते हैं तो उनसे याचना करते हैं कि मेरा शरीर हष्ट पुष्ट हो, खेल कूद कर सकूं, इस प्रकार के वरदान लोग मांगना चाहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं. In the pornography also there are mahatmas, people are adoring them, or they are very 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 good in having sex life. Where? In the pornography. In pornography. They also there are mahatmas, so people will consider them as mahatma. तो जो ये अश्लील फिल्में हैं उसमें भी कई लोगों को लोग महात्मा समझते हैं उसमें. So in every field in this material world there are certain kind of people where people will ask blessings of. They think this I want also to become like this. तो हर प्रकार की फील्ड में कई श्रेष्ठ लोग होंगे जिनसे लोग कृपा की याचना करेंगे. But our meditation is to actually get the benediction, to get a kind of consciousness like the 12 Mahatmas, the Mahayans we have in our Sampradaya we are following. लेकिन हमारी तरफ से ये याचना होगी उन महाजनों से, जो 12 महाजन हैं उनसे, कि हमारी एक उच्चतम स्तर की चेतना हो. Swayambhu, Narada, Sambhu, Kumara, Kapilo, Manu, Pralada, Yonako, Bhishmo, Bali, Vyaski, Vayam. That are 12 Mahatmas. And why they became so elevated? Why they are the Mahatmas considered in the Srimad Bhagavatam, the topmost fruit of Vedic knowledge? तो ये जो 12 महाजन है, स्वयंभु, नारद, शंभु, ये सब जो 12 महाजन है, तो क्यों ये महात्मा है, इनको महात्मा क्यों कहा गया है? If you see, today we are actually celebrating, we try to meditate, remember Bhishma Dev, how much elevated, how great personality and why he became such a great personality. तो हम चिंतन करते हैं कि कैसे भीष्म देव के ऊपर, कि कैसे वो एक महान भक्त बने. His benediction we should aspire for. His benediction, what he was asking, he was aspiring for. That by leaving this material plane, that he could get darshan of Narayan, the four-handed form, his worshipful lords. And this was his desire. And the benediction was granted by the Supreme Lord. तो हमें भीष्म देव के समान याचना करनी चाहिए कि मृत्यु के समय में हमें चतुर्भुजी नारायण का दर्शन हो, और वो भीष्म देव को कृपा मिली भी. Completely by this meditation, he actually became completely free from the three modes of material nature, by free from all the dualities of this material world. He became fixed in consciousness. तो इस प्रकार से ध्यान लगाने से वे इस भौतिक जगत से, तीनों गुणों से मुक्त हो गए. Bhakyan dvitaya nalesha sat isat apetasya vipayo smiti. And the next line is, what was, okay, tam maya yato buddhaya abhijata tam bhaktya kaya sam kuru devatatma. That fear in this material world. तो ये जो भय है इस श्लोक में बताया गया है, ये जो भय है इस भौतिक जगत में, भय comes when we start to identify ourselves with the body, then the dualities of material world is coming. तो जब हम अपने इंद्रियों से भोग करने का प्रयास करते हैं तो ये आता है. Then
we are considering, oh, this is very, very cold water. Maybe my body will become deceased. This is the dualities of this material world. तो हम सोचते हैं कि ओ ये बहुत बहुत ठंडा पानी है इसे स्नान करूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा so and that is given by maya so maya is giving this identification of the body by which the living entities start to identify themselves what they are not तो ये माया द्वारा निर्मित है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं but this fear can be overcome by devotional service and putting the spiritual master as the life and soul, his instructions. तो ये जो भय है, ये इससे हम ऊपर उठ सकते हैं यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा करें और गुरु की जो आज्ञा है, उसे अपना जीवन बना लें। So this is very, very important kind of sloka. This is not some sloka that we hear and it's very nice, but it is a key in our consciousness, a key in our material kind of imprisonment where we are. This is the key where we can open this door to the spirit world if we meditate on this, how we should do this. This shloka. Yeah, this shloka. तो ये जो shloka है ये चाबी है इस भौतिक जगत में हमारे बंधन से मुक्त होने की चाबी है अगर हम इसके ऊपर चिंतन करें कि कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं. Because what happens in our spiritual life, many times we don't have faith. We, temple commander or the authorities is asking us, oh, you can do this service, and we are giving answer to this. Many times we don't. We have fear. We have don't fear. Have faith. Okay. Huh. Okay. Afraid. So, कई बार होता है कि हम थोड़े डरे हुए, हम भयभीत होते हैं कि temple commander हमें कुछ सेवा देते हैं और हम सोचते हैं कि कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा. And we give that argument. I'm very weak, poetry. I'm very weak. In spiritual life, really, I cannot do this. तो हम कहते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं आध्यात्मिक जीवन में हम ये कैसे कर पाएंगे कठिन है ये चीज करना. I'm so weak. The only thing I can do is holding the prasadam. और मैं इतना कमजोर. This I can do. तो मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं सिर्फ एक ही कार्य कर पाऊँगा कि मैं प्रसादम उठा सकता हूँ हाथ से बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाऊँगा. Prabhuji, I'm sick, but when the prasadam is there. The first in the line, ready for the prasadam. Prabhuji, मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन जब prasadam आता है, तो मैं line में पहले बैठ के तैयार हूँ prasadam के लिए. So that means maya, that is illusion kind of consciousness. So if the point is that if we are especially initiated devotees, and we have this kind of consciousness that we are too weak, means we are actually don't have faith in our spiritual master. Not afraid. There's no faith in the spiritual master. No schada in the spiritual master. We are not understanding our initiation. What is our connection? What is our what we actually were doing? What we are became connected with the spiritual world, with the spiritual energy, with the spiritual entities. तो इसका अर्थ है कि मैं माया में हूँ और हम दीक्षा लिए हैं लेकिन हमें अपने गुरु पे श्रद्धा नहीं है और हम भूल गए कि ये दीक्षा हमने लिया है गुरु क्या शिक्षा दे रहे हैं हम ये सब भूल चुके हैं. He can see a small child. He with a father behind him who is nicely trained, strong body. He is fearless. He will walk without any fear. And if people are challenging him, he have faith. My father is there. He will protect me. तो एक छोटे बालक को जैसे हम देखते हैं तो वो छोटा बालक है वो भयभीत नहीं होता क्योंकि उससे पता है कि मेरे पिता मेरे पीछे खड़े हुए हैं कुछ भी होगा तो मेरी रक्षा करेंगे. It's also explained in the sastra, the instruction of the spiritual master will give the empowerment of the living entity of the disciple to accomplish the instruction, even though it looks something what is insurmountable, such an instruction. How I can do this? How it's not possible. तो कितना भी कठिन आदेश हो ऐसा लग सकता है ये कैसे होगा परंतु गुरु हमें वो शक्ति देंगे ताकि हम उसे पूर्ण कर सकते हैं. For that reason we should contact the Srimad Bhagavatam daily. For that reason we should read about Prabhupada Lilamrita or how the pure devotee is acting in this material world. तो इसलिए मैं नियमित रूप से भागवतम का अध्ययन करना चाहिए और ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि शुद्ध भक्त कैसे कार्य कर रहे हैं.
Because that is the whole point. That is, they are coming to this material world to teach us, to show us how to come out of this imprisonment of the material mind, who is dictating us, who is our spiritual master, the mind, material mind, and who is dictating us. This is impossible. We cannot do this. You give it up before you start. तो यही उद्देश्य है शुद्ध भक्तों का, वो इस भौतिक जगत में आते हैं ताकि अपने आचरण से सिखा सके कि कैसे हमें इस भौतिक जगत से मुक्त होना है, ये मन का जो बंधन है इससे मुक्त होना है, ये मन जो हमारा गुरु बनकर बैठा हुआ है हमें बता रहा है कि ये नहीं कर सकते तुम, वो नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, इनसे मुक्त होना है. इट इज लाइक वंस वी स्टार्ट टू सरेंडर टू द इंस्ट्रक्शन एंड टू कम आउट ऑफ द फियर एंड थिंक एंड सी how the spiritual energy starts to work to fulfill the instruction of the spiritual master, your faith will increase day by day and the bliss will increase in spiritual life. To hum jab guru ke aadesh ki sharanagati lenge to hum samajh payenge ki kaise dheere dheere sab kuch ho raha hai, hum bhay se bahar niklenge aur din pratidin hamare jo shraddha hai guru ke prati, guru ki jo aagya hai unke prati, wo badhegi. And then the meditation of nistha, that we come to the steadfastness, that will become more and more established in our consciousness. Nistha, we become very, very strong and determined in our spiritual life. तो इससे हमारी जो निष्ठा है, हमारी जो दृढ़ता है, वो धीरे-धीरे और बढ़ेगी. Then we see, oh, it is 15 degrees, no problem to take cold water, because I don't want to waste my time. Better I chant my one round in this time. So the meditation will become more Krishna consciousness instead of meditating on our material body, but body concept of life. तो हम देखेंगे कि ऐसी अवस्था में आकर हम देखेंगे कि अगर 15 डिग्री भी है तो हम ठंडे पानी से ही नहा लेंगे, क्योंकि हमारा समय इसमें समय क्यों देना है, मुझे समय क्यों व्यर्थ गंवाना है पानी गर्म करने में. तो हम उसे एक माला जप कर सकते हैं, हमारी चेतना की वृद्धि होगी, कृष्णमय होगी. कृष्ण विल गिव द एम्पावरमेंट, कृष्ण विल गिव द एम्पावरमेंट, बिकॉज इफ दे सी ही सीज दैट द लिविंग एंटिटी ही वांट्स टू do devotional service, he wants to minimize his body concept of life, his body activities. Then Krishna will give the empowerment, the Paramatma will give the empowerment, and then everything becomes blissful. We see how Krishna is working in this material world. तो कृष्ण हमें शक्ति देंगे जब वो देखेंगे कि जीव कितना प्रयास कर रहा है इस भौतिक चेतना से बाहर निकलने के लिए, कितना संघर्ष कर रहा है, और सब कुछ आनंदमय होगा फिर. So then we will also start to ask for the right benediction. Then we go for the deities, before the deities, and we start to ask the benediction. Help me to get this kind of nistha, what Bhishma Dev has, such a determination to actually reach the perfection in spiritual life. This kind of consciousness we should pray for. And the acharyas, Bhishma Dev, and all the spiritual entourages who are on the altar, they are happy to benedict the living entity with the spiritual desire, benediction he is asking for. तो हम फिर सही वरदान मांग पाएंगे, हम विग्रहों के सामने जाके सही चीज के लिए प्रार्थना कर सकेंगे कि हमें कैसे भक्ति में प्रगति हो, इस चीज की याचना करें. ऐसे तो ऐसे भीष्म देव और ऐसे अन्य आचार्यगण जो भी हैं वो हमें वरदान देने के लिए और प्रसन्न होंगे. We can see very nice picture with Prabhupada. What will happen if we get this kind of consciousness? Now Rupa Goswami will appear personally before us if we have decided to spread Krishna consciousness all over the world, to have this nistha kind of consciousness. The miracles will happen in our spiritual life. तो जैसे हम ये पीछे एक फोटो है कि श्रील प्रभुपाद हैं और रूप गोस्वामी सामने प्रकट हो रहे हैं, तो इससे हमारी चेतना में वृद्धि होगी. और ऐसे स्थिति में देखिए कि रूप गोस्वामी स्वयं आना चाहते हैं और वरदान देना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद को. अदरवाइज इफ वी डोंट हैव दिस द होल डे वी विल लुक फॉर द कंफर्ट जोन, फॉर द नाइस एसी, फॉर दिस एंड दैट, एंड द मेडिटेशन इज देयर for the new temple is coming, how which room will become mine, and this all this kind of things, the meditation, and you start to
gets the want to have the blessings, you ask for the blessings to get a nicely AC room in the new temple. तो वरना हम चिंतन करेंगे कि एसी चाहिए तो नया मंदिर बन रहा है तो कौन सा कमरा बनेगा किस कमरे में मैं रहूंगा और हम एसी वाले कमरे के लिए प्रार्थना करने लगेंगे. We are laughing, but that's the reality. That's so as long as we are not elevating the consciousness and ask the Supreme Lord for elevation, we cannot do. But by elevation, by the mercy of the Spiritual Master, by the serving mercy of the Supreme Personality of Godhead, the consciousness will be elevated. The three modes of material world will go away. तो हम हंस रहे हैं परंतु ये सत्य है. जब तक हम अपनी चेतना की वृद्धि नहीं करेंगे, इस भौतिक चेतना से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये चीज़ होगी और गुरु और भगवान ही हमें इससे निकाल सकते हैं. And that we can do by getting the right association. We associate with these devotees who have this kind of a consciousness, who are asking for pure spiritual desires, for and spiritual desires, and by associating with them, we will also get this kind of consciousness that we desire the right thing, the right spiritual desires. तो ये संभव है अगर हम ऐसे भक्तों का संग लें जिनकी ऐसी शुद्ध चेतना है, जो ऐसी शुद्ध चीजों की इच्छा रखते हैं, उनके संग में रहते रहते हमारी भी ऐसी इच्छाएं होंगी. Satvam visudam vasudev sadhita yad iyate tathana puman avavrita. Krishna consciousness is pure consciousness. Pure consciousness means there is no personal kind of ambition, personal kind of desires. The desire is pure spiritual desires. तो कृष्ण भावना में एक शुद्ध चेतना का स्तर है जिसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है पूरी करने की. Uncovered from the three modes of material nature, completely no connection is there anymore. तो ये तीन गुणों से उसका कोई भी संबंध नहीं है. So Prabhupada is explaining very nicely also about the word Narika, that everybody in this material world is actually Narika. तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक नरक शब्द को समझा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी है वो नरक है. And by having this kind of hellish kind of condition, the living entity is creating around him hellish kind of world around him. The hellish kind of situation is created by this. और इससे इस भौतिक जगत में हम देखते हैं नारकीय स्थिति को उत्पन्न हो रही है. We can see the reality in this material world, and we can see it in two ways. We can see it as something horrible, or we can see it as something what is actually a blessing, because this will elevate us to come to the consciousness to finish this material existence, this lifetime. तो हम ये जो भौतिक जगत की जो स्थिति है उसको दो तरह के से देख सकते हैं. एक है कि वो कितना भयावह स्थिति है, सब कुछ कितना कष्टदायी है, और दूसरा यह है कि ये तो कृपा है कि ऐसी स्थिति होगी तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं. It's really amazing how Guru Maharaj was mentioning this also in a class not so long ago, that this how this kind of consciousness is working, that people can do so much cruel things against each other, and that starts with meat eating. They're actually the seeds starting of this cruelty. तो गुरु महाराज प्रवचन में समझा रहे थे कि लोग कितने क्रूर हो सकते हैं, और जैसे मांस का भक्षण कर रहे हैं तो ये शुरुआत है, लोग जैसे जैसे और इससे क्रूर होंगे. People are not even considering about this, especially in the Western world, how cruel it is to actually eat a living entity and let it killed for your pleasure of the tongue. तो पाश्चात्य देश में ये उनके लिए समझ पाना कठिन है कि एक जीव को मारना अपनी जीवा की इच्छा पूर्ण करने के लिए कितना गलत है, वो समझ नहीं पाते. And by this, they also are completely cruel to the human being. So much cruelties are going on in this material world. Guru Maharaj mentioned this also, that in the, all the wars that is going on, so much suffering, innocent people are targeted, bombarded, all these kind of things. तो ये मांस भक्षण करने से लोग और क्रूर होते जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं. गुरु महाराज भी बता रहे थे कि इससे और कितनी क्रूरता बढ़ रही है, लोग एक दूसरे मनुष्य को ही ऊपर गलत चीज़ें हो रही है, लोग मार रहे हैं. एक example that
That's, all these things are going on, but we are more concerned if a small mosquito is biting us. Then many, many innocent people are killed. That is, mosquito is more important. Oh. तो ये एक गुरु महाराज एक हास्यात्मक उदाहरण देते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है लोग मारे जा रहे हैं लेकिन हमारा चिंता ये है कि एक मच्छर हमें काट रहा है But Bhishmadev, he was so much suffering materially, he was lying on an arrow kind of bed, huh? Yeah, arrow kind of bed, so much physically suffering he was undergoing. तो भीष्मदेव कितना कष्ट में थे वो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे इतना कष्ट हो रहा था उन्हें But his mind was very sound and for the benefit of all the living entities he showed how to live this material plane for the benefit and so many rishis mahatmas all they came to see this wonderful and example of Bhishmadev he gave to the living entity in this material world तो उस स्थिति में भी वो संसार के लिए सोच रहे थे सबका कल्याण कैसे होगा और उन्होंने बताया कि वास्तव में हमें शरीर कैसे छोड़ना चाहिए और कई सारे ऋषि मुनि भी उपस्थित हुए उन्हें देखने के लिए टू बी सो साउंड इन कॉन्शियसनेस इन माइंड्स इफ योर बॉडी इज सो मच सफरिंग बिकॉज़ ही वाज मेडिटेटिंग ऑन नारायण हिज वर्शिप लॉर्ड दिस ब्रॉट हिम अल्टीमेटली द परफेक्शन इन हिज Life. तो क्योंकि वे नारायण का स्मरण कर रहे थे उस स्थिति में भी इसलिए उन्हें अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई In the mind on somebody who has devotion or who is meditating on him and by quitting the material body he will appear in the mind by creating quitting by leaving the material body by leaving the material body तो ये श्लोक का बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें बता रहे हैं कि जो भगवान जो है जो भी भगवान का स्मरण करता है जिसके अंदर भी भक्ति भक्ति भावना है उसके अंदर भगवान प्रकट होते हैं और I didn't get it he leaves the body how you yeah so then the supreme personality of Godhead will appear in the mind and that is done by devotion and meditation on the supreme personality of Godhead that are the requirements then he is able to appear he's appeared yeah that okay. appears he appears in the mind तो मन में प्रकट होते हैं जिनके भी भक्ति भावना होती है और तभी वो ये ऐसी स्थिति जब होती है तभी वो प्रकट होते हैं भगवान मन में सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज नॉट ओनली बाय लीविंग द बॉडी सो इफ वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड द होली नेम इज देयर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज चेंटेड यू सी दैट बाय द टेनम इज असियात द फियर विल गो आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस इमीडिएटली वी आर एक्चुअली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस तो ये केवल शरीर छोड़ने के विषय में नहीं है हम कभी बहुत कठिन परिस्थिति में भी हैं और हम जब भगवान का नाम लेंगे तो उस समय हम देखते हैं कि हमारा जो भय है वो खत्म हो जाता है For that reason, we are blessed by this kind of personality, Bhishmadev, and by the gopis who are actually in the meditation on the Supreme Lord during the day, always meditating how the Supreme Lord was going through the forest and this was the ultimate perfection, the separation they had for the Supreme Personality of Godhead brought them to the perfect hand of consciousness. तो हम देखते हैं कि ये हमारे ऊपर कृपा है जैसे भीष्मदेव जैसे व्यक्तित्व और जो गोपियाँ हैं जैसे गोपियाँ जो कि हमेशा भगवान के विषय में चिंतन कर रही हैं उनके अंदर जो विरह भाव है भगवान उनसे दूर हो गई हैं तो ये अपने चेतना की पूर्णता को प्राप्त किए हुए हैं And we'll see if we start to practice this. Sri Bhakuna Pratya, Asamsa Manomaho, and Manomaho, what was the next one? Asamsa Manomaho, Manodukam Salam, Abhyasa Kauntya Farakyan Kriyate, that the Supreme Personality of Godhead is telling yes, the material mind is very, very difficult to control, but it can be done by two ways, by practice and detachment.
तो यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं कि जो मन है बहुत कठिन है उसे नियंत्रण में लाना, बट दो परंतु दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं। एक है कि हम वन इज बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, तो अनासक्ति से और साधना से हम कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इफ वी स्टार्ट टू डू दिस प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड इन certain kind of situations that push us to remember the Supreme Personality of Godhead, because then it will become very, very simple kind of things, then it becomes very natural kind of things. तो हमें ये प्रयास करना पड़ेगा बार बार अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, और इससे एक उच्च स्थिति उत्पन्न होगी। So it is like somebody is practicing, he wants to drive bike, and it is a lot of practice. He will fall many times, he will fall down, but he will become successful if he continues. If he continues by this practice, he will become successful. तो जैसे कोई साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसे बहुत बार प्रयास करना पड़ेगा, और बहुत बार वो गिरेगा भी, पर करते 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 वो सीख जाएगा। We are maybe hampered by sex desire or whatever kind of desires, but by real and sincere prayer, asking for the benediction to personalities like the four Kumaras, Haridas Thakur, we will become purified. The success will be there. That is the success that we start to meditate on this kind of personalities. तो बहुत सारी काम इच्छाएं, अन्य इच्छाएं भी हमें परेशान कर सकती हैं, परंतु हम ऐसे महान भक्तों को जब प्रार्थना करेंगे, जैसे चतुष कुमार है, हरिदास ठाकुर है, तो हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। एंड दैट विल ब्रिंग मिरेकल्स इन आवर कॉन्शियसनेस, दैट विल माइंड बिकम्स सिचुएटेड इन विशुद्ध सत्वा, इन विशुद्ध सत्वा स्लोली द माइंड विल बी एस्टैब्लिश्ड फ्री फ्रॉम द अनाटास, free from the material attachments. तो अद्भुत चीज़ें होंगी, जादुई चीज़ें हो सकती हैं हमारे जीवन में, और हम ये जो अनर्थ है हमारे अंदर, जो तीन गुण हैं, इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। And then, inconceivable, we will come in the asinkya shakti. The asinkya shakti start to work, and then what materially looks impossible, it will become possible. We have so many examples we have there, like, and Rasikananda is also a very, very nice example how much he was situated in pure Krishna consciousness. तो जो भौतिक रूप से संभव नहीं है वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं रसिकानंद, तो what was how much he was situated in pure Krishna consciousness. तो कैसे रसिकानंद जो है वो शुद्ध भगवान के शुद्ध चेतना में स्थित थे। Wild elephant was very, very, everybody was afraid and running away for wild elephants, but Rasikananda, he was out of the duality. He saw the soul, he saw the pure soul, and by his compassion, he caught the desire to make him his disciple. तो जो हाथी था उससे सब भयभीत थे, परंतु रसिकानंद जो है वो आत्मा के स्तर पे उसको देख पा रहे थे, और उससे फिर उनको इच्छा आया कि उन्हें शिष्य बनाए अपना। It's very, very interesting if you start to meditate on this, that a wild elephant, that is not a small thing, that's not a small thing to materially, but he was completely fearless, completely abhayam, completely connected with the Supreme Personality of Godhead, and got also the direction of the Supreme Personality of Godhead in the heart. तो ये सोचेंगे तो ये बहुत रोचक है कि एक हाथी के विषय में ऐसा सोचना, उसे उसे शिष्य बनाने की इच्छा करना। तो And that is the platform where the acharyas are, where all the 12 mahayanas are. This platform, they are there, and we have only to take the rope they are giving to us. They are giving the rope, the solution, how to come out of this material attachment in this material world. तो ये स्तर है जो 12 महाजन है वो इस स्तर पे हैं, और हमें कुछ नहीं करना, वो रस्सी हमें दे रहे हैं, उस रस्सी को हमें पकड़ना है, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे इस भौतिक जगत के द्वंद्व से निकलना है। That is wonderful kind of meditation we can have. We should meditate on this kind of personalities, not only today that we remember Bhishma Dev,
And tomorrow we are remembering our body necessities of life again. तो हम ध्यान कर सकते हैं ऐसे महान महाजनों का, परंतु ऐसा नहीं कि आज भीष्म देव के बारे में चिंतन कर रहे हैं और कल हमारे शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में सोच रहे हैं. So it is the benediction that is given to us to remember them during the whole day. We can meditate on this kind of personalities during the whole day, and then so much blissful spiritual life will become, so much nectar, amrit, we will start to taste the amrit of the Srimad Bhagavatam also by associating with the Srimad Bhagavatam. तो ये कितना अच्छा वरदान है कि ऐसे महाजनों के विषय में हम चिंतन कर सकते हैं और फिर इससे भक्ति में जो जीवन है वो आनंद में हो जाएगा, जैसे नेक्टर, शहद जैसे स्वादिष्ट हो जाएगा, जैसे श्रीमद् भागवतम है. एंड देन व्हेन द श्रीमद् भागवतम इज देयर देयर विल बी रैप्ट अटेंशन देयर विल बी कंसंट्रेशन व्हाट इज एक्चुअली गिवन व्हाट द भागवतम इज स्पीकिंग टू मी टुडे. तो फिर हम ध्यान लगा पाएंगे, ध्यान पूर्वक समझ पाएंगे कि भागवतम क्या कह रहा है हमें, क्या कहना चाहता है. One time that there was a class I was thinking in I think it's Secunderabad. Secunderabad. Everybody was sleeping. तो एक बार एक कक्षा था, कक्षा थी सिकंदराबाद में और उस कक्षा के दौरान सभी सो रहे थे. So this is a very very unfortunate kind of situation. It's a very unfortunate kind of situation. It should not happen. तो ये कोई अच्छा स्थिति नहीं था और ऐसा नहीं होना चाहिए था. And it can become if we become really, really, really have the strong desire. That the strong desire will give us the right intelligence. The samsata bhutyam, the samsata bhutyam, priti pravapurvakam, the dhammi buddhiyokanyam yenamam upayatite. That Krishna will give the intelligence how to deal the situation, how to be prepared and to be prepared to hear the message as it is. तो हमें बहुत दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि कैसे हम ऐसी स्थिति में ना फंसें. तो भगवान बुद्धि देंगे. The intelligence is given in that sense that we start to make the right decisions during the day, the right association during the day, the right and rejection, what we have to reject during the day. So this will be given by the Paramatma. तो परमात्मा हमें इस प्रकार से बुद्धि देंगे कि हम दिन भर में क्या चीज़ को ना कर दें, क्या नहीं करना है, किन लोगों का संग करना है, इस प्रकार से हमें बुद्धि देंगे. Then if the spiritual sound vibration start to enter our ears, the ears, then there is no question of tamakun. The Vishuddhasattva will be there and we will be established in our real position of here with the spiritual ear. Spiritual sound vibration. Yeah, spiritual sound vibration. तो ये जो आध्यात्मिक ध्वनि है जब हमारे कानों में जाएगी तो हम शुद्ध सत्व के स्तर पे आ सकते हैं. That is explained by the Gopis. They were looking to the birds in Vrindavan. And when Krishna was playing his flutes, the birds, they were in rapt attention, in rapt meditation, completely free from all the personal things, completely in the Satchitananda platform. तो जो गोपियाँ हैं वृंदावन में वो इन पक्षियों को देख रही थी जो पूर्ण ध्यान से, पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए सुन रहे थे भगवान जो बांसुरी बजा रहे थे और वो इस भौतिक स्तर पे नहीं थे, सच्चिदानंद के स्तर पे थे. It is very important. For example, sometimes you have devotees who go for sleep and they use a class of Prabhupada. Then they can sleep nicely. तो कई बार they will hear Prabhupada class and then for sleeping. तो कई बार भक्त जो है वो श्रील प्रभुपाद की कक्षा लगा लेते हैं सोते समय ताकि वो सो सकें. That's very interesting. That's very interesting. It's very strange because as soon as Prabhupada's voice is there, there should come a spiritual inspiration. The soul is touched and the soul is free from the three modes of material nature. There will be
rapt attention, there is connection with the spiritual world. The connection with the spiritual world is there. That is Prabhupada's voice. By hearing his bhajans, by hearing his ketans, his classes. This is the spiritual sound vibration coming from the spiritual world. तो ये बहुत रोचक है इसको समझना कि जब प्रभुपाद बोल रहे हैं तब तो हमारी आंखें खुल जाना चाहिए क्योंकि आध्यात्मिक जगत से सीधा संबंध है प्रभुपाद की आवाज है. That is very nice. There was one time a festival in New Vrindavan and that was with Jamashtami and it was very late and the whole day there was Krishna book recitation. तो न्यू वृंदावन में जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा था और बहुत अच्छा था और पूरा दिन जो है कृष्ण जो पुस्तक है उसको पढ़ रहे थे भक्तगण. वन बाय वन द डेवोटीज दे वर फॉलिंग अस्लीप संन्यासीज द दंडवत्स वेंट अप एंड डाउन प्रभुपाद वाज एक्सप्लेन्स दे वर फॉलिंग अस्लीप एंड कमिंग अप. तो धीरे धीरे सब सोने लगे और जो सन्यासी थे उनके दंड ऊपर नीचे होने लगे. And then there was one personality who was not sleeping, but very attentive. He was listening to the recitation of the Krishna book. उसमें से एक भक्त थे जो बिल्कुल भी सो नहीं रहे थे और बहुत ध्यान पूर्वक ये जो कृष्ण बुक पढ़ रहे थे उसे सुन रहे थे वो. And then he was looking around, and he was smiling, and he was telling, "Okay, time for prasad," and everybody awoke out of the sleep. और उस मुस्कुरा रहे थे सबको देखते हुए और फिर तुरंत उन्होंने कहा कि अभी प्रसादम का समय हो गया है और तुरंत सब लोग उठ गए. The point is that this sound vibration, the sound vibration that we also witnessing in the Srimad Bhagavatam, that will bring freedom from the three modes of material nature. It will give the spiritual qualities will be imbibed. तो हम ये जो आध्यात्मिक ध्वनि जो श्रीमद् भागवतम से हम सुन रहे हैं ये हमें मुक्ति देगा इस भौतिक जगत तीन गुणों से मुक्ति देगा. सो दैट इज वेरी वेरी गुड फिजिबल दैट द पर्सनालिटीज हु लिंक्स दिस प्लेटफॉर्म दे एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट द पर्सनालिटी ऑफ श्रीमद् भागवतम दैट वेर नॉट ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज हु वेर कंप्लीटली कनेक्टेड विद द साउंड वाइब्रेशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी. That they could actually transgress the sleeping, eating, and the taste of the body for 1 week. Who was like this? All who were listening. Who were listening? Also to the recitation of Sukadev Goswami. तो इसे हम देख सकते हैं ये बाहरी रूप से भी समझ में आ सकता है कि कौन इस स्तर पे है. और हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं तो वहाँ पर जितने भी भक्त ऋषिगण सब एकत्रित हुए हैं उनको कोई भी भूख प्यास ये सब कोई सता नहीं रहे वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं. एंड द प्रॉब्लम टू लिसन प्रभुपाद एंड फॉल नाइसली अस्लीप इज दैट ड्यूरिंग द श्रीमद् भागवतम व्हेन द रेसिटेशन विल कम ओम नमो भक्ति वासुदेवाया द कॉन्शियसनेस विल बी in the position of the covering of tabakun and see it as the alarm bell to nicely sleep. Yeah. Also during the class. Can you repeat once? So to have this kind of thing that here in the Srimad Prabhupada class before sleeping, that will be also automatically that if the Bhagavatam class will be there and there will be Om Namo Bhakti Vasudevaya, the tabakun will cover the consciousness and see it as alarm to nicely sleep. तो ये एक और प्रभाव होगा कि यदि हम रात को इस प्रकार से कुछ लगाकर प्रभुपाद के प्रवचनों को सोते हुए सुनेंगे तो इस प्रकार से हमें हमारे मन को ट्रेनिंग होगा कि जैसे ही सुबह भागवतम कक्षा होगी और हम सुनेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो मन हमें कहेगा तमोगुण का प्रभाव आएगा और हम भी सो जाएंगे. What to think about offensive kind of mentality use. The Paramahamsa, the representative of the Supreme Personality of Godhead, start to speak, and you say, "Okay, doesn't matter. I have better things to do." तो ये अपराधमय चेतना है कि कोई व्यासदेव के प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि वहाँ पर कुछ कहना शुरू कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे नींद आ रही है. एंड द कॉन्सिक्वेंस बयाम द्विती यमने सस्यात विल बी इन द ड्युअलिटीज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड वी विल हैव फियर इफ सम इंस्ट्रक्शन कम्स व्हाट वी थिंक इज नॉट पॉसिबल
and we will have so many obstacles during our day. And then it becomes a very difficult kind of life. Then everything becomes burdensome. The Mangal Aarti becomes a burden. The Bhagavatam class becomes a burden. Kalakraha, everything, the whole day will become a burden. And you put yourself in a difficult situation. The consciousness is in a difficult kind of covering. तो इसका फल ये होगा कि हर चीज़ कठिन लगने लगेगा, कुछ भी सेवा देंगे ये कैसे होगा वो कैसे होगा, इस प्रकार से चेतना हो जाएगी और हर चीज़ भार लगने लगेगा. मंगल आरती आना, भागवतम कक्षा सुनना, जो भी गलग्रह जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, तो हर चीज़ भार लगने लगेगी और हमारे लिए बहुत कठिन स्थिति बन जाएगी. आई कैन सी सम डेफिटीज दे आर स्टार्ट टू स्ट्रगल लाइक दिस, दे स्टार्ट टू स्ट्रगल दैट देयर इज नो अमृत, नो आनंदा गोइंग टू द Mangalarti, there is no Ananda, and they try to get the Ananda from other things. And most of the times it will end the Ananda in the Grahastha Ashram. तो हम ये देख पाते हैं कि कई बार भक्त संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ से, उनको मंगल आरती में आनंद नहीं मिल रहा है, भक्ति में क्रियाओं में कोई आनंद नहीं मिल रहा है, तो कई बार वो कहीं और आनंद ढूंढेंगे और अंततः इसका फल ये होगा कि वो आनंद उन्हें गृहस्थ आश्रम में मिलेगा. Then the Ananda will be there to sleep nicely. And then the baby starts to cry in the night, and you have to change pampers for the baby. So much ananda. तो ये आनंद ऐसा होगा कि आप अच्छे से सोएंगे और तुरंत बच्चे की रोने की आवाज़ आएगी और फिर रात में उठे उठकर उसके आपको नैपीज चेंज करना पड़ेगा. Of the wife starts to shout that you have to work more. How we can educate the children? How we don't have any food, we have to this my ornaments, where am I calling ornaments, work. और जब पत्नी चिल्लाएगी कि तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा, हम बच्चे को शिक्षा कैसे देंगे, ये सामान खाद्य सामग्री कैसे आएगा, ये सब व्यवस्था कैसे होगी, मेरे गहने कैसे आएंगे, काम करो और काम करो. भाई यू वर्किंग ओनली 8 डेज नाइट शिफ्ट, यू गेट सो मच मनी इज कमिंग, डू आल्सो नाइट शिफ्ट एंड वर्क 12 hours, 14 hours daily. तो ये तुम दिन में केवल क्यों कार्य कर रहे हो, नाइट शिफ्ट करो, 12 घंटे काम करो, 14 घंटे काम करो, ज्यादा पैसा मिलेगा. So there the ananda will come, but somebody with intelligence will see that is not real ananda, that is not paramananda. तो वहाँ पर इस प्रकार का आनंद मिलेगा, लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब इसे देखेगा तो समझेगा कि ये वास्तव में आनंद नहीं है, कोई परम आनंद नहीं है. Real ananda is that we do the follow the instructions of the spirit master, follow the instructions of what Krishna is giving to Prithamaraj, we follow this, and that is a real ananda of the living entity. तो वास्तविक आनंद है जो गुरु की आज्ञा है उसे पालन करना, वास्तविक आज्ञा जो पृथ्वी महाराज को भगवान विष्णु दे रहे हैं, ये वास्तविक आनंद है. ऑफ कोर्स इफ द बेबी इज अ डेफर्टी, द फादर मदर आर डेफर्टीज एंड द चाइल्ड इज क्राइंग, देन इट्स प्लेसेबल इट्स सर्विस टू अ डेफर्टी, इट इज दैट इज अदर स्टोरी, बट इन जनरल मटेरियल पीपल दैट इज द मिसरेबल काइंड ऑफ लाइफ टू हैव this kind of situation. और हाँ, अगर माता पिता भक्त हैं, वो बालक भी भक्त है, तो एक प्रकार से उनकी सेवा है, परंतु सामान्यतः जो भौतिक जगत में जो लोग हैं उनके लिए ये कोई आनंद की स्थिति नहीं होती है. So let us pray to Bhishma Dev and ask for the benediction to also become unalloyed devotees of the Supreme Lord. तो ये हम प्रार्थना करें भीष्म देव से कि हम भी शुद्ध भक्त बने भगवान के. And make our life successful in this way. Make our life Krishna consciousness in this way. हम अपने जीवन के पूर्णता को प्राप्त करें और कृष्ण भावना में हो. That is a small thing I can tell about the sloka. Maybe somebody have some question or some doubt. तो ये कुछ थोड़ा बहुत मैं बता पाया इस श्लोक के विषय में. अगर किसी का कोई प्रश्न कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं. I heard one lecture by Kumar Krishna. He was telling first being body, then transcendent. So
So some devotee, like you say, in winter. Now, actually, one thing I wanted to put is about this, and I'm actually talking especially now, it is 15 degrees now, and still brahmacharis are busy with hot water in the morning. So did I understand this point. If it is freezing and you for the body, you take hot water. But now, it's really something mental, in my opinion. It's 15 degrees, now the body will not fall deceased if you take some cold water. It's even not cold, the water. So, of course, if it is freezing, and then to take care for the body that don't fall sick and that you don't can do service, of course, that is there. But I was talking especially about this moment. That is the point I was making. Because it will weaken the mind if you have really, it is not cold outside, it's not water is not cold, and still we are busy with the mind, with this kind of comfort. That is, will bring us during the day, we will have this kind of consciousness during the day. It's a bodily concept of life. We will have this kind of vision. It is not a spiritual vision, Krishna consciousness. And the other thing is even that I observed with this practical sense that it's more cold to wait for the heater than do cold water. Cold water is 1-2 minutes finished. And you are nicely already clothed is already on the body after 2 minutes, if you do it a little bit fast. So the point is that for waiting for the heater or when the water is hot or and then you are cold, but you are standing there all very cold here. It's even materially is very, it's tenuous. That's my point. Yeah. Yeah. But you can repeat one time? Is it alright to play Prabhupada? Or anybody else's Kirtan, while going to see. That is a different thing, is the holy name in that connection. It is, at least the holy name will be in the mind. Well, Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj actually recommends in that sense that you chant before sleeping and the holy name is there after sleeping, then the holy name will be there during your sleep. So that's very interesting. So that's what Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj was recommending in that connection. So he was not recommending to listen lectures, of course there was no audio. Kind of audio, but this it makes sense. It makes also sense because Prabhupada is speaking, class is instruction. Instruction is giving, it's spoken, the instruction in that sense. So, and then to be in Tamakun, that is, of course, that will be. There's a difference in Kirtan and the giving a class, but I understand about it. Isn't it? Srila Prabhupada ki, Srimad Bhaktam ki, Vishnadev ki.